नमस्कार। नाइन साइंस ऑफ योर ट्विन फ्लेम, ये अगर हम जाने कि स्टिल ही इज और शी इज लव्स यू, तो इसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में वैसे भी आप दोनों बेटर हाफ हैं या टू हाफ्स हैं, ऐसा बोला जाता है, बट सोल हाफ नहीं होती है, एनर्जीज रहती हैं जो कि किसी में कम किसी में ज़्यादा रहती है। तो ट्विन फ्लेम्स के जो साइंस हैं वो आपको रियली, अगर आप सेपरेटेड हैं ना, तो आपको ये हो सकता है कि अरे हम तो सेपरेटेड हैं, हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत डाउट वाली फीलिंग आती है कि सेल्फ डाउट आ जाता है कि अब क्या करें क्या ना करें, सच में वो मुझे याद करते हैं कि नहीं जैसे हम याद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आते हैं और पर्सनली भी मुझसे पूछा जाता है। तो एक्चुअली क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है ना, ब्रूटल ट्रुथ जो है ना आपके सामने बोलते हैं, बिल्कुल ब्रूटल होता है वो, कि यस यू आर दिस एंड यू आर दैट, यू डिड दिस यू डिड दैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो सब कुछ किया नहीं है या आप ऐसे हैं नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह की रिलेशनशिप में आप आते हैं और बहुत ज़्यादा फिर टैरो रीडिंग कराते हैं, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करवाते हैं और बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग भी वीडियोज़ एंड ट्विन फ्लेम की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा आपके सामने आती हैं, देखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ वैसे समझ भी आता है, ऐसी बात तो नहीं है, देखते हैं और काफ़ी टाइम आपको हो चुका है। तो ये एक्चुअली क्या है ना कि आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल हैं और दोनों एक दूसरे के डार्कर साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, मिरर करते हैं। तो एक तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बट कंप्लीट नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हाँ ट्विन फ्लेम आपको कंप्लीट करता है, यू आर कंप्लीट इन विद इन योर सेल्फ, बट वो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मिरर करते हैं, ठीक है ना। सेम आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, सेम फूड पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें अपोजिट भी होती हैं। यही तो है मिररिंग, यही तो है कमाल की बात इस रिलेशनशिप में। अगर आप सिर्फ ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं, मेरा तो ऐसा है मेरा तो वैसा है, अगर इस तरह की एनर्जी में रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ गलत लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा बोला जैसा लिखा वही सब आपको मिलेगा, जैसे बोलेंगे जैसा लिखेंगे जो बोएंगे वही पाएंगे, वही वाली बात है। इसीलिए एक्चुअली ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपको हर तरह की बाउंड्रीज से फ्री करने की। फ्री विल यू आर, यस यू आर अ फ्री विल। तो फ्री विल मतलब जब आपका मन चाहेगा आप बात कर सकते हैं या और भी कुछ आगे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जब वो कहते हैं ना मेरे कहने पर आओ, मेरे टाइम पर आओ, मेरी जगह, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, जस्ट आपको आना है, तो आप दौड़े चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए परेशानी आ जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब थॉट पैटर्न, इन्हीं सब जो आपके लिटिल लिटिल पैटर्न्स बन गए ना ट्विन फ्लेम से मिलने के, बात करने के और अंदर ही अंदर ईगरनेस के एंड फिजिकल कनेक्शन के, उन सब पैटर्न को तोड़ना होगा। तो कैसे तोड़ेंगे, नाइन साइंस हैं, वैसे तो बहुत सारा इनर वर्क करना ही होता है। तो नाइन साइंस क्या है कि स्टिल ही इज़ और शी इज़ लव्स यू। पहली बात तो यही है कि आप अगर नो कॉन्टेक्ट जोन या सिचुएशन में हैं तो आप ये रोमांटिकली टुगेदर तो नहीं हैं, यानी कि, लेकिन फिर भी दूर रहते हुए भी आप उनको याद करते हैं, आप उन्हें मिस करते हैं, यू फील देयर प्रेजेंस, आप उनका प्रेजेंस फील करते हैं। ये रियली वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा छोड़ के जाते हैं, फिर सोचते हैं कि ये तो हमें पता है, ये भी हमें पता है। अरे पता है बहुत सी चीज़ें, क्या पता कौन सा एक सेंटेंस आपको स्पार्क दे जाए, कौन सा एक शब्द स्पार्क दे जाए कि ओ यस यू नेल इट। ये वाली फीलिंग अगर आपके अंदर आ गई, कुछ चीज़ आपको कैच करने को मिल गई, इसलिए वीडियो देखने को बोलती हूँ, अदरवाइज क्या जरूरत है, देखे भी मत, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है आपको मिरर करता है, आप चाहे चाहे ना चाहे, आप उसकी ज़रूरत को समझें या ना समझें, लेकिन वो आपको चाहते हैं, वो आपको चेंज कर रहे हैं आपके बेटरमेंट के लिए, आपके बिहेवियर को वो चेंज कर रहे होते हैं, आप भी समझ रहे होते हैं कि हाँ वो मुझे चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, मतलब अमेंड करते हैं, अमेंडमेंट लेकर आते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन अमेंडमेंट होती रहती है, चेंज आता रहता है एक दूसरे के एक्शन में भी, एक दूसरे के बात करने में भी, एक दूसरे को पोस्टिंग करने में भी, सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट करते हैं उससे भी आपको पता चलता है कि यस ही लव्स मी मोर देन जो भी पहले भी जो कुछ घटाया उससे पहले वो सब कुछ हो रहा है। दिस इज़ व्हाट ट्विन फ्लेम डू बेस्ट। एक्चुअली नंबर थ्री पॉइंट यही है कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं और पेन में वो भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है हर बार। ये मतलब तीन साल से मैं यही सुन रही हूँ, DFE क्यों इतना पेन झेले, DM क्यों नहीं आते हैं, DM क्यों नहीं समझते हैं, उन्हें क्या फील नहीं होता पेन, उन्हें क्या हमारी याद नहीं आती, सब कुछ होता है जी, सब कुछ होता है।
जैसे एंगर, टेंशन सब कुछ आपके साथ होता है, सेम उनके साथ भी होता है। प्यार, मोहब्बत, लव, वो आप देने के लिए बेताब हैं, तो वैसे ही उनके अंदर भी होता है। लेकिन सोशल कंडीशनिंग भी तो हमारी कुछ काम करती है इस बीच में, लाइफ के जो कार्मिक लेसन्स हैं वो भी तो कुछ काम करते हैं, तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्या? राइट। नंबर 4 है कि आप उनके सपने देखते हैं कि नहीं, कभी कभी देखते हैं, कम ही देखते होंगे। तो देखिए, मैंने भी इन पूरे जर्नी में, इस जर्नी में मतलब 2015 से मुझे लगने लगा, तो 5-7-8 बस इतने ही सपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर ऐसे देखे हैं कि ही इज़ इन ट्रबल और समबडी इज़ किलिंग हिम, इस तरह का। तो हो सकता है कि इस तरह का आप देखते हो, लेकिन वो कुछ गलत सपना नहीं है, वो कुछ अच्छा ही आगे बढ़ने का। देखिए, नंबर 5 है कि वो आपको हमेशा याद करते हैं कि रैंडमली उनका कोई थिंकिंग आ गया, रैंडमली आप ऑफिस में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा टू मच बिजी, रैंडमली उनकी थिंकिंग आ गई, उनकी कोई बात आ गई, उनका कोई पोस्ट आपको दिखाई दे गया, किसी ने उनका नाम पुकार लिया, टेलीपैथिक कनेक्शन आपको उनसे हो गया और आप कुछ देर के लिए उनके साथ बिजी हो गए। नंबर 6 पॉइंट है कि आप बार बार उनके लाइफ टाइम और ट्विन फ्लेम के साथ जो भी मतलब समय बीता उसको आप याद करते हैं, ये भी बात है। आपके दिल में कुछ ना कुछ दुख दुख सी बनी रहती है कि कुछ है अजीब सा, आप बार बार रिकनेक्ट करते हैं अपने ट्विन फ्लेम से। द थिंग इज, ट्विन फ्लेम टेल द ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रूथ, उनकी कही गई बात बहुत ज़्यादा चुभती है, ऐसा कह दिया, बहुत अच्छी याद भी आ रही होती है, और तो फिर ये होता है कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, ये वाली फीलिंग होती है। तो सच में वो आपको एक ब्रूटल ट्रुथ ही कहते हैं, एक बहुत कड़वा सच जिसे कहेंगे वो कहते हैं। तो आपके इमोशनल अटैचमेंट जो उनके साथ हैं, प्यार भरे, वो फिर टूटने लगते हैं कि उसने ऐसे कह दिया, नहीं नहीं नहीं। माइंड आपको कहता है कि बच के रहो भाई, है ना। तो आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि मेरी सर्विसेज एंड फी जानने के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, कॉल नहीं प्लीज़। अच्छा, नंबर सेवन ये है कि वो रियली आपसे इंस्पायर्ड हैं और इसी वजह से वो आपको प्रेम करते हैं। आपकी तारीफ वो ज़रूर से ज़रूर करते होंगे, इधर उधर करते होंगे, कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक्चुअली ड्रीम्स भी वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जब आपका रियूनियन होगा या जब आपका कम्युनिकेशन ओपन अप होगा ना, तो आप जान पाएंगे कि वो भी यही कहते हैं कि हाँ, मैंने भी यही सपना देखा। चाहे आप सेपरेट हो, है ना, फिजिकली, लेकिन मेंटली आप सेपरेट नहीं होते, मेंटली आप उनके साथ जुड़े रहते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी जो भी आपके चल रही होती है, वो भी आपको उनसे पता चल रहा होता है, या उनका आपका उनको पता चल रहा होता है, इस तरह की बात होती है। तो वाइस वर्सा सब रहता है, मिररिंग होती ही होती है, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते कि उनको कुछ नहीं होता, उनका कोई पेन नहीं होता, राइट। नंबर 8 है कि इफ़ यू आर नॉट टुगेदर, तो भी आपको उनके बातें जो है ना, उनकी जो विशेज हैं वो पूरी करने का ख्याल आता है। मतलब कि कभी उन्होंने कुछ कहा हो कि हाँ, मैं इस लेवल तक पहुँचना चाहता हूँ, है ना, या चाहती हूँ, तो आप उसको पूरा करने के लिए दौड़ते हैं, तकलीफ़ में आते हैं कि यार वो फिर उसका क्या रहा, फिर वो हमारा सोल पर्पस का क्या रहा, समथिंग कुछ ऐसा सोल पर्पस के बारे में कहा है। तो यही चीज़ है। नंबर 9 यही है कि इमोशनली आप बिल्कुल ड्रेन हो गए हैं अचानक से, सडनली, मतलब कुछ काम कर रहे हैं लेकिन कुछ सडनली ऐसा कुछ हो गया। और वैसे बताऊँ तो साइकोलॉजिकली एंड टेलीपैथिकली ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से मिलते ही मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि योर ट्विन फ्लेम इज़ फीलिंग इंटेंसली अबाउट यू। डरने की बात नहीं है, परहैप्स इन इमोशंस विद देम इज डिफरेंट, बट मतलब हो सकता है कि उनके इमोशंस सैडनेस वाले हों, उनके इमोशंस कुछ रन करने वाले हों, कुछ भी हो, रीज़न कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के ही हैं एक्चुअल में। यू आर डेस्टाइंड पार्टनर एंड यू आर ये कह सकते हैं कि मैरिड टुगेदर इन कॉस्मोस में 5D मैरिज ऑलरेडी डन, ये वाली बात है, ये पक्का है। तो इस चीज़ को अगर आप सुनेंगे, समझेंगे और फील करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो ही समझ में आएगा। अदरवाइज 3D की सिचुएशन, पता क्या है, आप लोग ना 5D एंड 3D में डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि 5D में ठीक है, इतना अच्छा कनेक्शन है, इतना अच्छा बबल फेज था, दोबारा वो बबल फेज आएगा कि नहीं, क्यों नहीं आएगा, बबल फेज क्या, उससे भी कई गुना मल्टीपल, मतलब 5 to 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए बबल फेस का, वैसा टाइम आता है रीयूनियन के समय में। तो जब आप सोचेंगे कि अरे ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, इतना सब क्यों मुझे मिल रहा है, उस समय भी आप कहीं ना कहीं डरते हैं, इतना सब कुछ अच्छा, कुछ गलत तो नहीं होने वाला। जब बहुत कुछ बहुत बहुत अच्छा होता है आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, तब आप सोचते हैं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। तो दिमाग है इंसान का, बार बार गलत और डराता ही रहता है, कम्फर्ट जोन में
पड़े रहने के लिए कहता रहता है। तो उठिए, जागिए, जागृत होके रहिए और साथ में आगे काम करते रहिए। खुद का भी काम करना है, सोल पर्पस भी करना है, दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन जब रीयूनियन हो जाएगा तब तक आप अकेले अपने लिए काम करते रहिए। और ये याद रखिए कि आपका ट्विन फ्लेम आप ही के अंदर है, ये फैक्ट है, राइट। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल फिर, मिलेंगे फिर कल, बाय बाय।